को निकाल के वो गया एक पीस निकल के तो काफी दूर चला गया। और घर के अंदर ये ब्रीडिंग करते हैं, कोने के अंदर अंडे वगैरह दे देते हैं और वहां पर ये हैचिंग वगैरह भी कर लेते हैं अपनी। तो आप तैयार कर देते हैं, सही है। ये सारे इधर है, ये देख सकते हैं चांद चकोर है काफी सारे हैं इनके पास, दो चांद नहीं है। ये कितने होंगे, 60-70 होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। दखनी तीतर या सावे इनको कह सकते हैं, इनके एक ब्रीडिंग सेटअप पे आया हूँ, ब्रीडिंग फार्म पे आया हूँ। और सबसे पहले ये दिखाने का मकसद ये है कि ये टेम्ड हैं। आप लोग घर में रख के इनको इस तरह से पालतू कर सकते हैं जैसा कबूतर वगैरह पालतू होते हैं। तो अब इनको मैं बाहर निकालता हूँ, ये फुल फ्लाई के अंदर है और जाते कहीं भी नहीं आपको छोड़ के, आप देख सकते हैं। मैं वैसे इस टाइम जिशान भाई के सेटअप पे, जिशान भाई से भी मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को और मिल सकता है और आप लोग यहाँ पर आके देख के चीजें लेके जा सकते हैं अपने घर पे रखने के लिए, खूबसूरती के लिए। फिलहाल बाकी भी जो नया है उनको निकाल के वो गया। ओह वो उस तरफ चला, वो वापस आ जाएगा। अच्छा पक्की बात है ना, वो दीवार के पार चला गया, उधर निकल गया। बिल्ली शिली बिल्ली वगैरह नहीं आना चाहिए उधर। आप ये दखनी तीतर या सावा देख सकते हैं, तो ये विशान भाई के सेटअप पे हैं और ये फुल टेम्ड हैं, ये फुल फ्लाइंग में हैं। एक पीस निकल के तो काफी दूर चला गया। और घर के अंदर ये ब्रीडिंग करते हैं, कोने के अंदर अंडे वगैरह दे देते हैं और वहां पर ये हैचिंग वगैरह भी कर लेते हैं अपनी। तो घर में ही आप इनकी ब्रीड वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा इस तरफ आएंगे अगर हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोगों को रिंगनेक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। रिंगनेक्स तोतों की बात नहीं कर रहा, रिंगनेक्स फ्रीजेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर हमें चांद चकोर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा और क्या है यहाँ पे वो हम विशान भाई से पूछते हैं, विशान भाई की तरफ चलते हैं और आप लोग किस तरह से रापता करके चीजें ले सकते हैं वो भी यही ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विशान भाई, आप ठीक हैं? सलाम हसन भाई, वेलकम। सबसे ज्यादा मजा मुझे वो देख के आया भाई जी, थैंक यू। वो उड़ते वगैरह नहीं है, उड़ जाए तो वापस आ जाते हैं। मेरे पास अभी तो ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो गया, तो बहुत ज्यादा थे, अभी आप लेट आए हैं। चलो जो ज्यादा थे आपके पास? हाँ बहुत ज्यादा थे वो, सारा जो आगे देख रहे हैं ना, आगे भी उधर सारे। सही है। तो अभी सबसे पहले आप क्या दिखा रहे हैं? मैं आपको दिखा रहा हूँ चांद चकोर। चांद चकोर ये कितने हैं आपके पास? ये मेरे पास थे तो बहुत ज्यादा, पर अभी मेरे पास भी 50-100 के नजदीक है। पहले कितने थे? पहले तकरीबन थे मेरे पास 1500 दाना। माशाल्लाह। अच्छा चांद चकोर की विशान पे पहचान क्या है? ये चांद चकोर जैसे तीतर होता है ना, तीतर के साइज से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, 19-20। तो ये टेम्ड नहीं होते हैं? टेम्ड हो जाते हैं जिस तरह वो आपके दखनी टेम्ड है उस तरह। हाँ जैसे आप बच्चा रखते हैं तो ये टेम्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा है तो मैं इनको टेम्ड नहीं कर सकता। सही है। कितनों को टेम्ड करूँ? अगर किसी को होता है थोड़ा सा पूरा इधर भेजिए जरा, अगर किसी को टेम्ड चाहिए होता है तो आप तैयार कर देते हैं। हाँ उनको टेम्ड तैयार करके देते हैं। सही है। और ये सारे इधर है, ये देख सकते हैं चांद चकोर है काफी सारे हैं इनके पास, दो चांद नहीं है। ये कितने होंगे, 60-70 होंगे? हाँ इतने हैं, 60-70 होंगे। ये भी यहाँ पे फिर रहे हैं और यहाँ पे भी काफी सारे हैं। अच्छा उसके अलावा आपके पास रिंगनेक्स हैं? हाँ रिंगनेक्स रीजेंट है। हाँ वुड रिंगनेक पड़े हैं और इसके अलावा ग्रीन रिंगनेक पड़े हैं। क्या फर्क क्या होता है वुड में और ग्रीन में? बस उनका कलर में थोड़ी दिखा सकते हैं डिफरेंट? हाँ मैं दिखाता हूँ, आज देख ले। ये कौन सा है वो खुला जो है, यही है? हाँ ये वाला ग्रीन रिंगनेक। फिर एक सेकंड में थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये कहाँ पे पाया जाता है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में पाया जा रहा है, तो ज्यादातर ये है कि पहाड़ी इलाकों का परिंदा है। पहाड़ी इलाकों का परिंदा है पंजाब में पूरा। ये वुड रिंगनेक है अपना, ग्रीन रिंगनेक है और जो सामने आप देख रहे हैं ये वाला। ये पहले ये दिखाते हैं इसका वजन कितना होता है, इसका साइज कितना होता है? अगर आप इनको अच्छी फिटिंग वगैरह कर ले तो इनका वेट 3-3.5 kg तक आ जाता है। अच्छा। और अगर मतलब कि नॉर्मल आप रखें कि फीड बचानी है, खर्चा बचाना है, आपने आगे करने हैं, तो फिर वो होते हैं कि फार्मर कहते हैं कि हमारा काम ही खर्चा हो तो हम इनको जो कि काम ही फीड दें और इनका वजन फिर वो 2-2.5 kg। अच्छा इसका नाम क्या बताया था आपने? ये ग्रीन रिंगनेक है। ये ग्रीन रिंगनेक था। हाँ। अच्छा अब ये बताएं कि ये कौन सा रिंगनेक है? ये वुड रिंगनेक है। वुड रिंगनेक है। हाँ, ये अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि इसको मुर्गियों के साथ अटैच करेंगे और आगे देखते हैं कौन सी इनकी म्यूटेशन निकलेगी। मुर्गी के साथ क्रॉस करेगा? हाँ मुर्गियों के साथ क्रॉस करने की अभी हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ कुछ ऐसा अभी तक? हाँ अभी वो कर तो रहे हैं, बच्चे अभी मुर्गियां भी छोटी हैं और ये जो है ये भी 9-10 महीने के दरमियान 11 महीने का हो गया। 11 महीने को ये काफी ज्यादा मोटा और काफी ज्यादा साइज में भी रखा मेरे घर में, तो फिर वगैरह इसी तरह दे रहे हैं। तो अच्छा। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट है, मिल के देखते हैं कौन सी इसकी आगे म्यूटेशन निकलती है। आपको क्या लगता है कि मुर्गी के साथ क्रॉस होने के बाद ब्रीड निकालेगा? हाँ जैसे मोर मुर्गी के साथ या फिर वो होता है कि उनकी क्रॉस हो जाती है, तो ये इसका हमारा है कि अल्लाह करे हो जाए
और इसके निकले म्यूटेशन आगे देखते हैं कौन से। अच्छा जो ये वाले पट्ठे पट्ठियां बड़े हैं, ये तो ब्रीडर है, अभी इनकी 8 महीने एज है और फुल ब्रीडर है। अगर आप इनको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो ये आगे ब्रीडिंग स्टार्ट कर जाएंगे। मतलब अगर हमें इनका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है जैसे भी है, क्योंकि अभी तो हमारे पास सर्दी स्टार्ट हो रही है, नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के बाद ये अगर आप इनसे अंडा लेना चाहते हैं तो फिर वो इसी तरह ले सकते हैं कि आप। ये विशान भाई मुझे बताएं कि ये जो हमें नजर आ रहे हैं जी, ये सालाना कितने अंडे देते हैं हमें? ये तकरीबन अगर आप इनको अच्छी फीड देंगे तो ये तकरीबन 110 अंडा 120 अंडा अगर नॉर्मल आपने रखना है छोड़ दें तो नॉर्मल से फिर ये तकरीबन 70 से 80 अंडा दे सकता है। अच्छा फीड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये मुर्गी की तरह ब्रीड करता है? हाँ मुर्गी की तरह अंडा देता ही रहता है। सही है। और अगर आप इनको अच्छी फीड वगैरह दें ठीक तो ये 6 महीने फिर रेस्ट भी कर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आप उस तरफ चलते हैं। चले और साथ ही साथ हमारे भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद का चांद ही हो गया, किधर गायब है आजकल? यार हम लोग बताना भूल गए, इनका खुद का भी YouTube चैनल है और चैनल का नाम भी हमने वीडियोस में मेंशन नहीं किया। क्या नाम था चैनल का? मेरे YouTube चैनल का नाम है पेट लवर। पेट लवर के नाम सिंपल से पेट लवर सर्च करें तो ऊपर आ जाता आपका चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दूंगा, आप लोगों ने लाजमी जाके सर्च करना है। बहुत लेवल का इनका फार्म है, कबूतर तकरीबन 400-500 जोड़ा लगा हुआ है और वो क्या कहते हैं टर्की 400-500-600 लगा हुआ है, फैंसी हैंस भी 200-300 है इनके पास। ये मतलब आम बंदा नहीं इसको समझना, शक्ल पे नहीं जाना, नहीं शक्ल से भी अच्छा है। मतलब वो होता है ना कि नहीं यार इसके पास कहाँ होगा, ये तो बच्चा हाँ। से है लेकिन इसके पास माशाल्लाह काफी चीजें हैं। ये मुर्गियां सील में हो गए और ये तीतर हैं, ये काले तीतर पड़े हैं। काला तीतर अभी ये तो खोल नहीं सकते ना हम, इसके ऊपर रखें, इसके ऊपर रखें जरा। ये काला भी टेम्ड हो जाता है वहाँ पे उसके फट्टे के ऊपर टेम्ड हो जाता है। 100 में से तकरीबन अगर आपके पास 100 तीतर है ना उसमें से 95 जो टेम्ड नहीं होंगे और 5% जो। क्या वजह है? क्या वजह है इसकी? म्यूटेशन इस तरह के, ये बंदे से डरता है और मतलब इसके जीन्स में कुछ इस तरह के खासियत पाई जाती है कि ये स्टे नहीं करता, भाग जाता, डर जाता है। हाँ। अच्छा कई लोग काले की फीमेलें ले आते हैं, वो बहुत मुश्किल से ब्रीड करती हैं, अगर वो रखते हैं करती ही नहीं है। हाँ, करती हैं ताकि वो थोड़ा सा नहीं, मतलब आम बंदे को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लेके ही ना आए। पहले तो लेके ही ना, अगर आप रखना चाहते हैं तीतर की म्यूटेशन में तो आप ईरानी, उसकी वैल्यू भी कोई नहीं ना काले की मादी की। नहीं वैल्यू तो इतनी ज्यादा नहीं है, काले की जो नर है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। मादी की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो ब्रीड नहीं करती है, उसका फायदा। वहां से दिखाते हुए इधर विशान भाई लेके, विशान भाई इधर क्या है जी? इधर कुछ तीतर की है। तीतर तो कौन से है यहाँ पे? हमने सावा और एक जोड़ा सावे का और इसमें कुछ, पहले ये बताइए ये कौन सा, वही वाला ग्रीन रिंग नेक है और इधर है ग्रीन रिंग। ये मोल्टिंग पे अभी? हाँ ये मोल्टिंग पे। ठीक है, उधर क्या? ये वही है, आ रहे आपकी तरफ आप देख लो। ये टेम्ड है? ये टेम्ड नहीं है। इनको कैसे टेम्ड करेंगे आप? बस इनको टेम्ड अगला जो बंदा लेगा वही करेगा। ये बड़ा भी टेम्ड हो जाता है? हाँ हो जाता है, हर कार्ड के यार वो जरा एक बार दोबारा निकाल के दिखा सकते हैं आप? हाँ मैं निकालता हूँ। वो यार टेम्ड है यार, वो उड़ते ही नहीं है, वापस आ जाते हैं। पर कार्ड के छोड़ने हैं कैंची से के खेचने हैं? नहीं कैंची से काट देंगे तो फिर वो नए आ जाएंगे नीचे से ना। ठीक है। और अगर वैसे ही निकालेंगे? वैसे निकालेंगे फिर वो परिंदा एक तो कमजोर हो जाता है क्योंकि जब उसके ऊपर रख दें, इसके ऊपर यहाँ से आप पीछे से हाथ मार के निकालें जरा तो इसका, और अगर उसका क्रॉस डलवाएं वो दूसरे वाला जो होता है चांद, हो जाता है? अभी उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, हुआ नहीं अभी तक। हाँ नहीं हुआ। ओके जी ये बाहर आने लगे हैं अब। ये गया, वो कबूतर है बुरा। ये तो सारे आ जाते हैं। ये चेक करें जी यहाँ पर, ये माशाल्लाह से बाहर आ गए हैं और ये फुल फ्लाई में है, ये वो नहीं है जंगली नहीं है, ये पालतू में और कटे नहीं हुए इस टाइम।